वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में युवा अपने गांव की तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी ज्वालामुखी उपमंडल में जनहित मुद्दे प्रमुखता से उठाए थे, जिनमें 400 वर्ष पुराने पुल को सहेजना, लॉकडाउन में कुएं का निर्माण व वर्षों से लंबित सड़क का निर्माण आदि गांववासी व युवा अपने अपने क्षेत्रों में कर चुके हैं। इस बार कथौक पंचायत के बहानीबाड में स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण समय का सदुपयोग करते हुए युवाओं द्वारा एक पीपल के पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए एक ट्याले का निर्माण किया है। सभी युवाओं ने रोज स्वेच्छा से सुबह शाम श्रमदान करके ट्याले का निर्माण किया। गांववासियों ने युवाओं के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। युवाओं ने इस कार्य के लिए कोई मजदूर नहीं लगाए, कुछ लोगों ने इस कार्य के लिए दान भी दिया, बाकी का खर्च युवाओं ने स्वयं उठाया। युवाओं ने समाज को ये संदेश भी दिया कि पेड़ लगाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसको सहेजना। युवा प्रवीण कुमार, नितिन धीमान, आदित्य अखिल मोनू, उल्लास नितिन धीमान, बंटी ठाकुर, शुभम हर्ष, अभिनंदन धीमान, सन्नी, अंकित धीमान व सूरज आदि ने भरपूर श्रमदान किया और गांव के पूजनीय पीपल के पेड़ को सहेजा है। युवाओं का जोश कम नहीं हुआ और उनका कहना है कि गांव के और भी कई समाज व पर्यावरण सुधारक कार्य पूरी जी जान से करेंगे। डलियारा कॉलेज का छात्र हूँ। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन में कॉलेज और स्कूल खुले नहीं है, तो हमने यहाँ पे सोचा कि यही पेड़ ऐसे बड़े दिनों से पड़ा हुआ था, हमने सोचा कि इसको ट्याला बना देते हैं। तो हम सुबह शाम यहाँ पे काम करने आते हैं। हमने किसी मजदूर की सहायता नहीं ली और गांव वालों ने हमारा साथ दिया इस काम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल चला हुआ है और इस समय हमारे सभी स्कूल और कॉलेज बंद है, तो इस खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हम सभी गांव वालों ने और युवाओं ने ये फैसला लिया कि हम इस पेड़ को ट्याला देंगे। तो इस ट्याले को देने के लिए हम रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा काम करते थे और इस ट्याले को बनाने के लिए हमें गांव वालों की पूरी आर्थिक सहायता मिली है। और इससे हमें ये एक पाठ और ये भी मिलता है कि पेड़ों को लगाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।